नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। तेज प्रताप का बागी तेवर आपको हम दिखा चुके हैं। तेज प्रताप ने दो उम्मीदवारों का नाम घोषित किया था, एक शिवहर से जिनका नाम है अंगेश कुमार, दूसरा प्रत्याशी किया था चंद्र प्रकाश जहानाबाद से। दोनों को टिकट नहीं मिला तो तेज प्रताप काफ़ी नाराज हैं। आपको पता है कि महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को आरजेडी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। शिवहर पर अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है क्योंकि वहां पर तेज प्रताप ने अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है। दूसरी तरफ रामा सिंह जो LJP के सांसद हैं वो टिकट पाने के लिए बेताब हैं। तो लालू यादव अभी फैसला नहीं कर पाए हैं कि रामा सिंह को प्रत्याशी बनाना है या फिर तेज प्रताप को मनाने के लिए उनके प्रत्याशी को टिकट देना है, क्योंकि तेज प्रताप का जो प्रत्याशी है अंगेश कुमार, ये बड़ा बिल्डर है, बड़ा कारोबारी है और तेज प्रताप से पहले वो लालू यादव से जुड़ा हुआ था और लालू यादव काफ़ी मानते भी थे, लेकिन लालू यादव को जैसे ही लगा कि गड़बड़ झाला है उन्होंने उसको भगा दिया। जब उन्होंने भगाया तो चला गया तेज प्रताप की शरण में और तेज प्रताप का दिल उस पर आ गया है। तेज प्रताप पूरी तरह से उसके साथ खड़े हैं और उसे उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है शिवहर से। हो सकता है कि अगर टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तेज प्रताप उसको उतार दें, क्योंकि तेज प्रताप चंद्र प्रकाश को जहानाबाद से निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने का आदेश दे चुके हैं और 24 तारीख को उनका प्रत्याशी जहानाबाद से पूरे धूमधाम के साथ नामांकन करेगा। तेज प्रताप यादव भी उस नामांकन के दौरान रहेंगे मौजूद जहानाबाद में। शिवहर से भी लगातार आ रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे जहानाबाद को लेकर के इस तरीके से सुरेंद्र जी का है कि 3 बार से वो हार जी और पब्लिक उनको पसंद नहीं करी है। तो जो पब्लिक का मसला को उठाने का काम करेगा, जो पब्लिक हित का जो बात करने का जो काम करेगा वो आएगा, वो जनता का प्रतिनिधि होगा। अब तो यही जनता है, यही पूरी महान बिहार की और तमाम जनता जो चुनने का काम करती है, तो इन लोग का डिमांड है, तो इन लोग का डिमांड को सुनना चाहिए। कल तेजस्वी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने तेजस्वी जी से भी बात की। तेजस्वी जी बोले देखेंगे करेंगे। असमंजस में फिर नाम अनाउंस हो गया सुरेंद्र जी का, अब आए हैं इन लोग का तो अपना चुनाव लड़ेंगे। इनका नॉमिनेशन होगा। चंद्र प्रकाश जी कौन है? चंद्र प्रकाश जी हैं चंद्रिका जी के, जो वहाँ बीएड कॉलेज है, तमाम चीज है वो इनका पकड़ रहा है और पिताजी के साथ रहे हैं। अच्छा, पिताजी के साथ रहे, छात्र जीवन से साथ में रहे पिताजी, और डिमांड है कि नौजवान का, तो आप इनके साथ हैं चंद्र प्रकाश जी के? जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ। अंगेश को भी आप टिकट देने के लिए बोले हैं? अंगेश जी के लिए भी मैंने बात किया है तेजस्वी जी से। अच्छा, तेजस्वी जी बोले हैं 1-2 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा तो फिर मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको बताने का। अगर नहीं मिला इन लोगों को टिकट तब क्या करेंगे? अच्छा, तेज प्रताप जी 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन है चंद्र प्रकाश जिसके लिए तेज प्रताप ने बगावत कर दी है। तो चंद्र प्रकाश कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद यादव का बेटा है। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि प्रोफेसर हैं और शिक्षा जगत के एक जाने माने नाम हैं। उनका BEd कॉलेज चलता है, हजारों बच्चों को अब तक वो BEd करा चुके हैं और शिक्षा जगत में उनका बड़ा धाक है। तो उनका बेटा है, उनकी पत्नी वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिला परिषद का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो उनके पिता जो हैं चंद्रिका प्रसाद यादव, ये कांग्रेस से चुनाव लड़े थे 1977 में और इंदिरा गांधी खुद इनके चुनाव प्रचार में आई थी। तो इनका कहना है कि हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, 1977 में मैं चुनाव लड़ा, इंदिरा गांधी मेरे चुनाव प्रचार में आई और फिर मेरे बेटा जब खड़ा हुआ चुनाव में लालू यादव ने उसको रोक दिया और सुरेंद्र यादव जैसे जो आपराधिक पृष्ठभूमि का उम्मीदवार है उसको चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया। लगातार वो चुनाव हारता भी रहा लेकिन फिर भी उसे मौका देते रहे। तो ये बड़ी चुनौती है RJD के लिए सुरेंद्र यादव की जीत सुनिश्चित करना, क्योंकि अब तो मुकाबला NDA से है ही, साथ ही में उनका खेल बिगाड़ने के लिए चंद्र प्रकाश जैसा एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में है जिसकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है और जिसके साथ
जनसमर्थन भी है, जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। तो ये बड़ी चुनौती है लालू यादव की पार्टी के लिए। अब देखना यह है कि तेज प्रताप का अगला रुख क्या होता है, क्योंकि तेज प्रताप का कहना है कि उनके दोनों उम्मीदवारों के नाम को रिजेक्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव हैं। जाहिर है दोनों भाइयों में मनमुटाव काफ़ी बढ़ गया है और इस कदर बढ़ गया है कि तेज प्रताप का तेवर पूरी तरह से बागी हो गया है। और लालू यादव के मना करने के बावजूद उन्होंने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरने का आदेश दे दिया है। तो अब कुछ भी हो जाए, चंद्र प्रकाश तो मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके पिता ने कह दिया है सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में कि वो चुनाव लड़कर ही रहेंगे। और अब क्या इसका नतीजा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 4 महीने में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज 1 महीने में दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।